अगर आप इस वीडियो में घुस चुके हैं और ये थोपड़ा आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे भाई, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप रियलमी का फोन यूज करते हो तो इस वीडियो में मैं खास करके रियलमी कंपनी वालों के लिए और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जितने दिनों से मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ये वाला वीडियो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा लाजमी, क्योंकि यहां पर कोई भी यूट्यूबर ने ये वाला वीडियो, इस टाइप का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस को ये वीडियो की सख्त जरूरत थी। वैसे तो मैं बहुत कम बोलता हूं शेयर करने के लिए, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो को फैला दो आग की तरह, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां जहां होता हर जगह फैला दो, अगर आप एग्री करोगे तब। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट में आप बताओ, रिप्लाई फटाफट से मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें से सबसे पहली जो चीज है ऑप्टिमाइजेशन को लेके है। अभी तक मैंने Realme X3 में, Realme 6i और Realme 7 और भी Realme के स्मार्टफोन्स में देखा है कि वहां पे जो कैमरा है, खास करके वहां पे उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं दिया गया है जितना अच्छा देना चाहिए। X3 की अगर हम बात करें तो फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें Realme 6i और Realme 7 दोनों को कैमरा में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जो सेंसर में दिया गया है उसके हिसाब से फोटोज उतना अच्छा नहीं आ रहा, और भी बेटर आ सकता है। इवन अगर हम बात करें प्राइसिंग के हिसाब से Realme 7 में तो फोटोज काफी अच्छी आती है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भैया, नया नया मोबाइल आप लॉन्च करते हो और ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हो, तो ये वाला प्रॉब्लम जरूर से सॉल्व कर दो कि ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा बेटर करो, थोड़ा सा इंप्रूव करो, ताकि जो चीज आप दे रहे हो एटलीस्ट उन सब चीजों का पब्लिक निचोड़ के फायदा तो उठाए मेरे भाई। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन को ठीक करो, खास करके मिड रेंज के स्मार्टफोन में मेरे भाई। अगर रियल में आप सुन रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा कर दो यार हम लोगों के लिए। जो दूसरा जो चीज है मेरे भाई, मैं क्या ही बताऊं, रियलमी वालों प्लीज ये चीज थोड़ा सा रोक दो मेरे भाई, हम लोग घबरा रहे हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। वो क्या है पता है, इतना जल्दी जल्दी मोबाइल लॉन्च मत करो मेरे भाई। आप लोग जब इतना जल्दी जल्दी मोबाइल लॉन्च करते हो, हर दो दिन में, हर तीन दिन में, हफ्ता भर में जो मोबाइल लॉन्च कर देते हो, पता है इससे क्या होता है, इससे सिर्फ आपका कस्टमर कंफ्यूज होता है। आप तो बना लेते हो लेकिन कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि भैया 6i ले, 7i ले, 7 ले, 7 प्रो ले, मतलब थोड़ा बहुत नजरो 20 प्रो ले, मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इन सारे फोन्स में हल्का फुल्का ऊपर नीचे का फर्क आपको दिखेगा। तो मेरे भाई Realme मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्लीज आप जो है पहले थोड़ा सा अपने मोबाइल को सुधार लो, बोले तो ऑप्टिमाइजेशन ठीक कर लो, उसके बाद तड़ातड़ मोबाइल लॉन्च करो। अब मोबाइल आप लॉन्च किए जा रहे हो, लेकिन कस्टमर जो बोल रहा है नीचे कमेंट में, मैं पढ़ता, मुझे पता है, और हो सकता है कि आप भी देखते होगे फीडबैक में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन को लेके, खास करके अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बात अभी होगी, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को शेयर जरूर से करना मेरे भाई। ठीक है, तो गाइस ये जो मुद्दा है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बोला, यार मैंने मेल भी किया था, बोले तो 90fps को लेके Realme मेरे भाई दे दो यार 90fps, क्या जाता है, इतना अच्छा हार्डवेयर आप लोगों ने दिया है, स्नैपड्रैगन का 855 हार्डवेयर दे दिया मेरे भाई और उसमें 90fps नहीं दिया यार। आप पबजी से बात करो या फिर अपने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से बात करो, हार्डवेयर मैनेजमेंट से बात करो, किसी से भी बात करो भैया, कोई भी तुक लगा के भाई 90fps को दे दो, अगर आप 90fps दे देते हो खास करके ना, तो भाई यहां पे पब्लिक पागल हो जाएगा, मतलब पब्लिक खुश हो जाएगा इतना, क्योंकि पब्लिक ने मांगा वो चीज और आप लोगों ने दे दिया। किसी तरह से भी करके जुगाड़ अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर 90fps देने से मोबाइल के हार्डवेयर पे कोई तरह का जोर पड़ता है, अगर मोबाइल स्लो हो जाएगा, अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तो आप वहां पे प्लीज मेंशन कर दो ताकि कस्टमर थोड़ा सा वहां पे सेटिस्फाइड हो जाए। अगर हो सकता है तो 90fps मेरे भाई लोग दे दो रियलमी यूजर को। ठीक है, अब ये जो चौथा पॉइंट है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यहां पे इस पे काम करना होगा रियलमी वालों को खास करके, और खास करके ये प्रॉब्लम मैंने मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में देखा है, लाइक Realme 6i में भी थोड़ा बहुत देखा था और Realme 7 में भी देखा था। डिस्प्ले को लेके कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम Realme के डिवाइस में आ रहा है, बोले तो गोस्ट टचेस हो जा रहा है, बोले तो ऑटोमेटिक टच हो जा रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है 0.1 सेकंड के लिए, और साथ ही साथ स्क्रीन फ्लिकरिंग का भी इशू आ रहा है मेरे भाई। तो इन सब चीजों को खास करके आप लोग जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व कर दोगे तो कस्टमर भी सेटिस
सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी कस्टमर इन सब बातों में ही यहां पे फंसा हुआ है कि डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम ले कि नहीं लें भैया, इतना पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो अगर आप आके बता दोगे कि ये सारा प्रॉब्लम को हम जल्द से जल्द ठीक कर देंगे, अपने यूजर के साथ कम्युनिकेट करोगे मेरे भाई, तो ज्यादा बेटर होगा। और डिस्प्ले को लेकर खास करके मैंने देखा मिड रेंज के ही स्मार्टफोन में हो रहा है, एक्सट्री में भी गोस्ट टचेस है लेकिन उतने नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें रियलमी 7 में, तो वहां पे मैंने देखा है कि थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज भी हो रहा है, बोले तो 0.1 सेकंड का स्क्रीन फ्रीजिंग भी होता है वहां पे। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा नहीं होता मेरे भाई, 2 दिन में 1 दिन में इस टाइप का होता है, लेकिन होता है। तो इन सब चीजों को यहां पे खास करके डिस्प्ले वाले सेगमेंट में रियलमी वालों को काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील होता है। आपको क्या फील होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और खास करके इस वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। तो जो पांचवा और जो आखिरी जो मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर करना चाहता हूं वो रियलमी यूजर के लिए है, बोले तो अगर आप रियलमी के यूजर है, रियलमी के यूआई यूज वगैरह करते हो, ये आप लोगों के लिए है, बोले तो क्या, थोड़ा सा सबर रखो मेरे भाई, थोड़ा सा आराम से रहो, ठंडा वंडा पियो, गुलाब जामुन वगैरह खाओ, क्योंकि अपडेट सभी को मिलता है। बहुत सारे लोग यहां पे परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे अपडेट नहीं है, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, अभी तक नहीं है। तो मेरे भाई मैं कोई दूत का धोवल नहीं हूं या फिर कोई और बंदा दूत का धोवल नहीं है। यहां पे रियलमी वालों ने साफ साफ कहा था कि भैया किसी के भी डिवाइस में जितना वो लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी वो लोग रोल आउट कर दें, तो वो उन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो मुझे पहले भेज देंगे या फिर आपको पहले भेज देंगे, तो आपको वहां पे पेशेंस रखना है अगर आपको अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको भी अपडेट हमेशा मिलेगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कोई तिगड़मबाजी मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम आपको ही उल्टा हो जाएगा। मोबाइल में अपडेट आता है फट दीवार अपडेट कर लो, नहीं आता थोड़ा सा वेट करो, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो रियलमी को फीडबैक जरूर दो, ठीक है। तो गाइस जो मैंने ये 5 चीजें बताई यहां पे, ये बहुत ही ज्यादा लाजमी था कि इस वीडियो में मैं शेयर करूं। और अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को शेयर करो जहां जहां आप कर सकते हो, ताकि रियलमी वालों तक पहुंचे और वो इन सब चीजों पर काम करे, ताकि यहां पर आपको और भी अच्छा से एक्सपीरियंस मिले रियलमी के डिवाइस में, ठीक है मेरे भाई। और अगर आप नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।